Good morning, students. In our last class, we have seen the wavefront and the theory of secondary wavelet, right? Now, today we are going to start with our next topic, that is the reflection by Huygens wave theory, which is one of the most important topic of this chapter, okay? So, hum reflection, hum jante hi hain, obviously. But Huygens ne reflection ko kis tarike se explain kiya tha? Huygens ki theory ke according, हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई लाइट रे किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हेनेवर अ लाइट रे इज इंसिडेंटिंग ऑन अ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, देन इट विल गेट बाउंस बैक, राइट? जब भी कोई लाइट रे एक प्लेन स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो वो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, मतलब बाउंस बैक हो जाती है. और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हाइगन ने रिफ्लेक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था वो समझते हैं. सपोज ये कोई लाइट रे है, लेट द नेम ऑफ लाइट बी पी ए. दिस लाइट रे विल गेट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस, दैट इज हमने नाम दे दिया इसको एक्स वाई, राइट? यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हेन द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी, सो पैरेलल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड, राइट? तो जब लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है इस एक्स वाई सरफेस पर, तो यहां पर एक वेव फ्रंट बनेगा, और हमने इस वेव फ्रंट और ऑब्वियसली इट विल बी अ पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट, राइट? बिकॉज द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, तो यहां पर एक वेव फ्रंट बन गया जिसको हमने नाम दे दिया ए बी, राइट? अब अगर ये एक्स वाई सरफेस यहां नहीं होती तो ये वेव फ्रंट आगे प्रपोगेट होता ऑब्वियसली, और जब ये वेव फ्रंट आगे प्रपोगेट होता तो कुछ समय के बाद ये इसकी जो न्यू पोजीशन हो जाती वो क्या हो जाती? ए डैश बी डैश, राइट? अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर लूं लाइक दिस, तो पहले हमारा वेव फ्रंट था ए बी पर और अब हमारा वेव फ्रंट है ए डैश बी डैश पर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए ए डैश एंड बी बी डैश? सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? हमको स्पीड ऑफ लाइट पता है, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन सी हियर फॉर द स्पीड. डिस्टेंस हमको नहीं पता है इसलिए हमने यहां डी लिख दिया, और टाइम हमने मान लिया स्मॉल टी, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? ct. इसका मतलब इस a से a डैश तक की डिस्टेंस कितनी निकल गई? ct. एंड सिमिलरली b से b डैश तक की डिस्टेंस भी कितनी हो गई? ct. क्योंकि दोनों मीडियम सेम है और दोनों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी, दैट इज ct, राइट? नाउ अगर मैं इस a a डैश को रेडियस लेकर और a को सेंटर लेकर, मैंने क्या किया? ए ए डैश को रेडियस लिया और ए को सेंटर लेते हुए अगर मैं एक आर्क ड्रॉ करूं जो कि यहां यहां किसी पॉइंट पर आएगी लाइक दिस, ठीक है? मैंने क्या किया? ए ए डैश को रेडियस लिया और ए को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ करी लाइक दिस, और जब मैं इस आर्क पर बी से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, उसके बाद मैंने क्या किया? पहले मैंने एक आर्क ड्रॉ करी ए को सेंटर लेकर और ए ए डैश को रेडियस लेकर इस मीडियम में, और उस आर्क पर मैंने बी से एक टेंजेंट ड्रॉ करा जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट इस आर्क को कट करता है. अगर मैं इस पॉइंट ए से इसको ज्वाइन कर दूं तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो वी कैन से दैट ए क्यू विल बी अवर रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो द एंगल which this reflected ray makes with the normal is called as angle of reflection and it is denoted by small r, right? तो इस तरीके से हाइगन ने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी एंड वेव फ्रंट्स, राइट? नाउ अब अगर हम समझे इसके आगे, तो उन्होंने कैसे रिफ्लेक्शन को प्रूव किया वो समझते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं n m. ओके, सो अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल p a n. हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल p a n
राइट। अब क्या मैं इस पी ए एन को 90 माइनस क्यू ए एन लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस पी ए एन इज 90 माइनस एंगल क्यू ए एन। अगर हम फिगर में समझें तो ये पूरा पी ए क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, राइट right? और जब पी ए क्यू पूरा 90 डिग्री का है तो मैं इसको 90 माइनस इस पी ए एन को 90 माइनस क्यू ए एन इजिली लिख सकता हूं, राइट right? अच्छा, अब अगर हम बात करें 90 माइनस क्यू ए एन, राइट। तो जब 90 में से ये क्यू ए एन चला गया तो क्या बचा? क्यू ए बी डैश, राइट। अगर हम इस फिगर में समझें तो ये क्यू ए बी सॉरी एन ए बी मतलब 90 डिग्री, 90 में से क्यू ए एन चला गया तो क्या बचा? क्यू ए बी डैश, राइट। सो आई कैन राइट क्यू ए बी डैश इन इट्स प्लेस, और आई कैन से जब इस 90 में से क्यू ए एन चला गया तो आई कैन राइट इट एज बी ए बी डैश एज वेल, राइट। सो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम बी ए बी डैश, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। सो हर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बी ए बी डैश, बिकॉज एक्चुअली ये जो लाइट है वो थोड़ी सी ऐसी स्लांट जाएगी, राइट right? बिकॉज वो जो आर्क है वो आपको थोड़ा सा पहले मिलेगी, जब आप उसको राउंडर की हेल्प से बनाएंगे तो द डायग्राम विल लुक करेक्ट। ओके, नाउ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल क्यू ए एन। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्यू ए एन, सो आई कैन राइट दिस क्यू ए एन एज 90 माइनस बी डैश ए क्यू। इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल बी डैश ए क्यू, राइट। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन अ राइट एंगल ट्राइंगल क्यू ए बी डैश, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल क्यू ए बी डैश देन एंगल क्यू इज 90 डिग्री। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 90 माइनस बी डैश ए क्यू, इसका मतलब 90 में से जब मैं बी डैश ए क्यू को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्यू बी डैश ए, राइट। व्हाट आई विल गेट? क्यू बी डैश, जब मैं 90 में से, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, 90 में से क्यू ए बी डैश को घटा दूंगा तो व्हाट आई विल गेट? क्यू बी डैश ए। सो आई कैन राइट इट एंगल क्यू बी डैश ए, दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। Now students, in triangle BAB dash, we are talking about the triangle BAB dash. What do we get in triangle BAB dash? sin I is equal to, if we are talking about BAB dash, sin I is equal to, sin ki value aapko pata hai kya hoti hai? Perpendicular upon hypotenuse, right? So what it will become? It will become AB upon me ए बी डैश, राइट। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, परपेंडिकुलर इज बी बी डैश, राइट। सो वी हैव टू राइट साइन आई इज इक्वल टू बी बी डैश, दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बी बी डैश अपॉन में ए बी डैश, ये हो गई आपकी साइन आई की वैल्यू। गिव इट इक्वेशन नंबर वन। नाउ इन ट्राइंगल क्यू बी डैश ए, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्यू बी डैश ए की। तो जब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल क्यू बी डैश ए की, तो साइन आर कितना हो जाएगा? साइन आर इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर विल बी क्यू क्यू बी डैश, परपेंडिकुलर विल बी क्यू बी डैश अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए बी डैश, राइट। गिव इट इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, नाउ द डिस्टेंस, लाइट की स्पीड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है, और जब लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो उसको बी डैश से क्यू तक जाने में और बी डैश से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब लाइट को बी से बी डैश तक जाने में और बी डैश से क्यू तक जाने में जो समय लगा दैट विल बी नियरली इक्वल। तो हम बी बी डैश की जगह पे क्यू बी डैश लिख सकते हैं, राइट। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर?
अगर हम यहाँ दोनों एक्सप्रेशन से ए ए डैश की वैल्यू निकाल लें, मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूं, बी बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश साइन आई, राइट। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं दैट क्यू बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश साइन आर, राइट। सो क्यू बी डैश और बी बी डैश आपस में नियरली इक्वल, राइट। तो जब हम बी बी डैश और क्यू बी डैश दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी बी डैश की वैल्यू आ गई ए बी डैश साइन आए इज इक्वल टू ए बी डैश साइन आर। ए बी डैश से ए बी डैश कैंसल, साइन से साइन कैंसल, व्हाट डू वी गेट, आई इज इक्वल टू आर। और यही होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो तो दिस इज ऑब्वियसली द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो इस तरीके से हाइगन ने रिफ्लेक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया, मतलब हाइगन की वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया गया था विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट्स। ओके, सो दिस वॉज द प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। अब अगर हम इसी को मतलब हाइगन की ही वेव थ्योरी से अगर हम रिफ्रैक्शन को समझें तो हाउ वुड बी द डेरिवेशन दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन की वेव थ्योरी से हमने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, बट रिफ्रैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एनी सरफेस जो कि दो मीडियम्स को बाइफर्केट कर रही है। यहां पर हमने मान लिया हमारा फर्स्ट मीडियम, यहां पर हमने मान लिया हमारा सेकेंड मीडियम, राइट। हमको पता है दैट व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्रैक्शन, दैट व्हेनेवर अ लाइट रे इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन ऑब्वियसली इट विल गेट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, राइट। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपने पाथ से डेविएट हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट हाइगन ने रिफ्रैक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था दैट वी विल सी नाउ। लेट एनी लाइट रे बी इंसिडेंटिंग ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इस लाइट रे को हमने नाम दे दिया पी ए, राइट। ऑब्वियसली जब लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है एक सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है तो यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट जनरेट हो जाएगा एंड द नेम ऑफ वेव फ्रंट इज ए बी, राइट। अब सेम चीज जो हमने पिछले वाले केस में की थी, अगर ये सरफेस यहाँ पे नहीं होती, अगर ये सरफेस एक्स वाई यहाँ पे नहीं होती तो ये वेव फ्रंट आगे प्रपोगेट होता और कुछ समय बाद इसकी जो पोजीशन हो जाती वो क्या हो जाती, ए डैश बी डैश, राइट। सो इट्स न्यू पोजीशन विल बी ए डैश बी डैश आफ्टर सम टाइम स्मॉल टी। पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, ये जो डिस्टेंस है दोनों को हमने सी टी ले लिया था, बट इस केस में हम उस दोनों को सी टी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों मीडियम अलग अलग हो गए, और जब दोनों मीडियम अलग अलग हो गए तो ऑब्वियसली दोनों मीडियम्स में जो लाइट की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ओके, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो सी वन, सो सी वन इज इक्वल टू डी बाई टी, सो डी इज इक्वल टू सी वन टी। तो ये जो हो गया ये कितना हो गया, सी वन टी, where C1 is the speed of light in the first medium, और ये हो गया C2t, where C2 is the speed of light in second medium, okay? Now, obviously हम बात कर रहे हैं refraction की, तो refraction में light ray first medium से दूसरे medium में जाएगी। तो अगर मैं AA dash को radius लेकर और A को center लेकर, AA dash को मैंने radius ले लिया और A को center ले लिया, अगर मैं यहाँ पर एक arc draw करूँ like this, right? और अगर मैं B dash से इस arc पर एक tangent draw करूं like this, right? So the point at which this tangent will intersect the arc, उस point को अगर मैं इस center से जोड़ता हूं, so the ray AQ will be the refracted ray, okay? और the angle which this incident ray makes with the normal is called as angle of incidence, and the angle which this refracted ray makes with the normal is called as angle of refraction, that is small r, right? तो इस तरीके से इस light ray को जाना चाहिए था ऐसे सीधे,
बट वो सीधे नहीं जाते हुए अपने पास से थोड़ी सी डेविएट हो गई और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था रिफ्रैक्शन को। अब अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन समझें, सो व्हाट डू वी गेट, ओके लेट अस नेम इट एज एन एम, राइट। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल पी ए एन, राइट। ये जो एंगल पी ए एन है दैट इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। नाउ इस पी ए एन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं दैट 90 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी ए एन, राइट। दिस इज ऑफ 90 डिग्री, तो इस पी ए एन को हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी ए एन, और 90 माइनस बी ए एन को हम लिख सकते हैं, दिस इज ऑफ 90 डिग्री पूरा, 90 माइनस बी ए एन को हम लिख सकते हैं एंगल बी ए बी डैश। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, गिव इट इक्वेशन नंबर वन, दैट इज एंगल बी ए बी डैश इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द एंगल विच दिस क्यू ए मेक्स विद द नॉर्मल दैट इज क्यू ए एम, राइट। क्यू ए एम विल बी अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। नाउ इस क्यू ए एम को हम 90 माइनस बी डैश ए क्यू लिख सकते हैं, राइट। अच्छा राइट क्यू हियर, ओके। तो इस क्यू ए एम को हम बी डैश ए क्यू लिख सकते हैं, राइट। और 90 माइनस बी डैश ए क्यू का मतलब हो जाएगा 90 माइनस बी डैश ए क्यू मतलब हो जाएगा एंगल बी डैश क्यू ए, राइट। वाई, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी ए क्यू माइनस 90 माइनस एंगल 90 माइनस बी डैश ए क्यू दैट इज दिस वन इज ऑफ 90 डिग्री, तो 90 माइनस बी डैश ए क्यू will be equal to a b dash q, right? This will be equal to a b dash q, क्योंकि जब ये 90 degree का और जब हम इस 90 में से इस वाले angle को घटा देंगे तो हमको ये बचा हुआ angle मिल जाएगा, और बचा हुआ angle कौन सा है, a b dash q, so we have written a b dash q here, right? So this will be the angle of refraction. Now, the same thing that we have done in our previous case, triangle BAB' की हम बात कर रहे हैं, तो BAB' triangle में sin I is equal to perpendicular upon hypotenuse, right? Perpendicular हो गया BB' upon में hypotenuse हो गया AB', और यहां से अगर मैं AB' की value निकालूं, so AB' is equal to BB dash sin I, give it equation number 3, right? Now what do we do? Now we are talking about triangle B dash AQ. That is, we are talking about B dash AQ, this one triangle. So, this triangle mein jo sin R ki value ho jayegi, this sin R is equal to perpendicular upon hypotenuse, obviously. Perpendicular kya ho jayega? This AB dash is hypotenuse, और perpendicular क्या हो जाएगा AQ, right? Sorry, perpendicular will be QB dash. So QB dash will be our perpendicular. और यहां से अगर मैं AB dash की value निकाल लूं, तो what I will get? This is equal to AB dash sin I. BB dash is equal to AB dash sin I. Similarly, यहां पे क्या आ जाएगा? AB dash sin R is equal to QB dash, right? Give it equation number 4. Now students, जो previous case में हमने discuss किया था कि light की speed क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो उसको B से B dash तक जाने में और B dash से Q तक जाने में जो समय लगा, that is almost nearly equal, right?
इसका मतलब क्यूबी डैश जो है वो नियरली इक्वल है किसके, बीबी डैश के, राइट। नाउ सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट साइन आर, सो साइन आर में जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, ए क्यू, राइट। तो यहां पे आ गया ए क्यू, सो ये हो गया ए क्यू, ओके। अब यहां पर हम लिख सकते हैं इस ए से, नाउ व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, नाउ वी कैन राइट इट एज ए क्यू इज इक्वल टू ए बी डैश, मतलब ए से लेकर, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ए क्यू, ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी टू टी, सो सी टू टी इज इक्वल टू ए बी डैश एज इट इज साइन आर एज इट इज, राइट। और यहां से हमारे पास आ गया बीबी डैश, बीबी डैश की वैल्यू क्या हो गई, सी वन टी, सी वन टी इज इक्वल टू ए बी डैश साइन आए, राइट। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस वन इक्वेशन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को डिवाइड कर देता हूं, सो व्हाट वी गेट, अगर हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर देते हैं, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, सी वन टी अपॉन सी टू टी, हमने क्या किया, न्यूमरेटर में इक्वेशन 5 लिख दी और डिनोमिनेटर में इक्वेशन 6 लिख दी, राइट। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल, इसका मतलब साइन आए अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, और ऑब्वियसली किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, राइट। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक लाइट की स्पीड भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। सो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन आर बाय साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, और साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, दिस इज अ स्नेल्स लॉ, और यही होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स वेव थ्योरी, राइट, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स वेव थ्योरी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, द फर्दर टॉपिक्स विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, थैंक यू।